देख रहे हैं हमारी शुगर फ्री स्पेशल रेसिपीज। भाई इतनी चीजें हैं, मीठी हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, चीनी का सब्स्टिट्यूट है सुक्रलोज। अब ये जो सुक्रलोज है ये क्या है? सारे चीनी के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो बहुत सालों से कुछ ना कुछ आते जा रहे हैं। आजकल जो सबसे नया वाला चल रहा है वो है सुक्रलोज। अब ये इतना पॉपुलर क्यों है? भाई इसलिए क्योंकि ये जो है चीनी से ही बनता है, तो इसलिए मिठास भी वैसी ही है। तो रेसिपी कौन सी है मैं आपको बताता हूँ, एक क्विक रेसिपी। और ये जो रेसिपी है ये हम बनाएंगे दूध से। अब इसके लिए दूध हमने गर्म करने के लिए रख दिया है, और क्या चाहिए? इसमें हमें चाहिए चावल, और ये जो चावल है अब कोई भी आप ऑर्डिनरी सबसे सस्ते वाला चावल ले लें, और इसको भिगोकर हमने पीसना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये चावल को पीसा है, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा। ये देखिए चावल को भिगोया और उसके बाद ये हमने उसे पीस लिया। और क्या तैयारी करनी है भाई? उसके साथ साथ थोड़ा केसर दूध के अंदर भिगो लें, या ऐसे ही दूध में भी डाल सकते हैं। ये हो गया। अब और क्या तैयारी करनी है? एक जरूरी चीज वो है ये मिट्टी के कसोरे सपोरे, जो भी आप कहें वो ले लें, और उसे पानी के अंदर भिगो के कुछ देर तक रखें और उसके बाद निकाल लें। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं आपको बता रहा हूं फिरनी की रेसिपी, सिंपल फिरनी की रेसिपी, लेकिन चीनी से नहीं बनी हुई, सुक्रलोज से बनी हुई। ये देखिए दूध गर्म हो रहा है, और अभी ये जो चावल है मेरे पास ये लेते हैं, और चावल को डाल दिया हमने दूध के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये जो है लंप्स इसमें बिल्कुल ना पड़े। इसमें मिठास, मिठास चीनी वाली, बिना चीनी के। तो ये मैं ले लेता हूं सुक्रोज। वैसे कितना फायदा हो गया, वो लोग जो कैलोरीज कम खाना चाहते हैं उनके लिए कितना फायदा है, चीनी की कैलोरीज बिल्कुल कम। और हाँ, जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि अब वो चीनी मना होती है तो क्या करें, लेकिन अब दिक्कतें थोड़ी कम होती जा रही हैं, वैसे काफी कम हो गई हैं। और अब इसमें हम फ्लेवर देते हैं थोड़ा सा इलायची का, कैसा रहेगा? वैसे फिरनी में रोज का फ्लेवर भी काफी अच्छा होता है, गुलाब का, लेकिन यहाँ पर मेरे पास इलायची है पिसी हुई तो वो लेता हूँ। ये मिक्स कर देते हैं। आहा, गाड़ी होनी शुरू हो गई है फिरनी, और इसके साथ साथ थोड़ी ये डाली जाए, क्या ये केसर, दूध में घुला हुआ केसर। खैर केसर कैसा भी रहता इसमें घुल ही जाता, दूध तो था ही इसमें। ये देखिए अब ये कितना गाढ़ा हो गया, वाह। और अब इसे हम बंद कर देते हैं। ये कर दिया बंद, लेकिन भाई जरा चख लें सब ठीक ठाक है या नहीं। हा हा हा, बहुत गर्म है, लेकिन ऐसे नहीं खाना है आपको। गर्म है लेकिन बढ़िया मीठा है। अब चीनी तो डाली नहीं थी, मीठा कैसे? सुक्रलोज डाला है, पता भी नहीं चलता। ये लीजिए, अब ये जो सकोरे हैं ये ले लिए, और ये लीजिए ये जिन्हें हैं सब में इसे डाल देते हैं हम। गर्मा गर्म, पर देखिए कितना गाढ़ा है ये। इतना गाढ़ा आपको बनाना है, और कल की बात ये है कि ठंडा होने पे ये सेट हो जाएगा। और अब इसके ऊपर ये पिस्ता, वैसे कुछ लोग वर्क भी डालते हैं सिल्वर का, कुछ लोग गोल्ड का डालते हैं, हम लोग सिर्फ पिस्ता डालेंगे। पिस्ता इसके ऊपर, और अब इसको रख दें आप फ्रिज के अंदर ठंडा करने के लिए, और इसे परोसे ठंडा ठंडा। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप।
इसके लिए हमें चाहिए 2 कप स्किम्ड मिल्क, 1/4 कप चावल भीगा हुआ, थोड़ा सा केसर, शुगर फ्री नेचुरा 8 मेजरिंग स्पून, 1/4 छोटा चम्मच ग्रीन कार्डमम पाउडर यानी हरी इलायची पिसी हुई और 3-4 पिस्ता ब्लांच किए हुए और पतले लंबे कटे हुए। इसे बनाने के लिए दूध को एक पैन में डालकर थोड़ा गर्म करें और पानी में भीगे हुए चावल को मोटा मोटा पीस लें। केसर दूध के अंदर डुबो कर रखें और अब पिसे हुए राइस को दूध के अंदर डालकर इसे पका लें और जैसे ये थिकन होना शुरू हो जाए तब इसके अंदर डालें शुगर फ्री नेचुरा और इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब इसके अंदर डालें हरी इलायची पिसी हुई और केसर का मिक्स। इसे कुछ देर तक और पकाएं। जब चावल पूरी तरह से पक जाए और ये गाढ़ा हो जाए तो इसको आंच से हटाएं और इसको मिट्टी के कसोरों में डालें जब ये गर्म हो उसी समय ही, और इसके ऊपर डालें पतले लंबे कटे हुए पिस्ता और इसे ठंडा करके फिर परोसें। मेरे साथ हैं सजनी और इनको खाना बनाने का बहुत शौक है। सही कह रहा हूँ ना? बिल्कुल सही कह, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताइए कि खाना बनाना ज्यादा अच्छा लगता है या एक्टिंग? एक्टिंग दोनों ही अच्छा लगता है, दोनों में मेहनत मुझे कम लगती है। अच्छा दोनों खाना बनाने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगती ना एक्टिंग में। जिस चीज में कम मेहनत लगे वो चीज अपने आप अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर कम मेहनत वाली रेसिपी, डायबिटीज इतनी फैली हुई है पूरे विश्व भर में, हमारे भारत में भी, और उनको कुछ ना कुछ नया खाने का दिल करता है हमेशा। और मुझे लगता है संजीव जी, मुझे ऐसे लगता है डायबिटीज वालों को मीठा खाने की जो होती है वो ज्यादा ही हो जाती है। नहीं, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना, और ज्यादा ही उनको मन करता है मीठा खाने का। खैर कुछ मीठा बनाए। वाओ। तो मीठा यहाँ पर ये लौकी, इसको ग्रेट करके रखा हुआ है, नॉर्मल जो लौकी है उसे छील कर उसे ग्रेट किया हुआ है और लौकी की खीर बनाएंगे। इसके लिए हमें थोड़ा तेल का इस्तेमाल करना है। काफी लोग घी में बनाते हैं। घी में बनाते हैं, लेकिन अब डायबिटीज हो तो थोड़ा तो कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तेल, अच्छा ये ऐसे में कंट्रोल नहीं होता। हाँ होता नहीं है, प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा ये जो है ये मैं अभी हाल ही में लंदन गया तो मुझे एक बड़ी अच्छी सी ये चीज नजर आई। क्या? ये तेल स्प्रे करने के लिए। अच्छा अब तेल ज्यादा ना डले तो ये देखिए, वेरी गुड। नॉन स्टिक पैन, उसमें लौकी डाल दी, लौकी डाल दी और अब इसको पकाना है। कुछ मैं करूं आपके? हाँ बिल्कुल, नहीं सब कुछ आप करें। क्या? इलायची का पाउडर। अच्छा पिसी हुई। ओके। इलायची, थोड़ा सा चाहे तो जायफल भी इसमें डाल सकते हैं, ग्रेट किया हुआ के लिए। या अभी डाल देते हैं कुछ तो, थोड़ा सा ही, ज्यादा ज्यादा नहीं। राइट। और अब स्किम मिल्क, मिल्क। ओके। लग रहा है कि जो लौकी है वो सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर डालते हैं कुछ मीठा। आजकल अच्छा। काफी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलते हैं बाजार में तो वो इसके अंदर डालेंगे। ये तो नॉर्मली जितने चम्मच चीनी डालनी होती है उतने ही चम्मच ये डल जाते हैं, तो इसको डाला इसके अंदर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, मिक्स कर लेना। इसके साथ ये क्या? ये केवड़े का अच्छा पानी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। हाँ ताकि अच्छी खुशबू आए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है ये तैयार हो गई। नॉर्मली जब भी कोई खीर हलवा ऐसी चीजें बनती है तो उसके अंदर कुछ मेवे, कुछ ऐसे काजू किशमिश, उसके बिना तो मुझे लगता नहीं कि खीर। हाँ लेकिन डायबिटीज अगर जो है तो उनसे डॉक्टर हमेशा कहते हैं परे रहें। हाँ, तो बहुत ज्यादा नहीं डालें, छोटे छोटे टुकड़ों में पतला पतला काट के कटोरी में डालने के बाद उसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल करें। और अगर हो सके तो ऐसी चीज स्प्रिंकल करें जो दिखे। राइट। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे। नहीं तो क्योंकि ऐसा होता है कि अगर दिखे नहीं तो पता है दिल को खुशी नहीं होती। बहुत जरूरी चीजें ये सब चीजों को ध्यान में रखना कि ऐसा लगे अरे हाँ बहुत सारे ऐसे काजू हमने डाले हुए हैं, सब कुछ इतना डला हुआ है तो अपने आप मुंह में पानी आएगा, अच्छा लगेगा। तो और ठंडा करके भी खा सकते हैं, गर्म भी खा सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि जिनको डायबिटीज है वही ये रेसिपीज देखें बनाएं। आज के जमाने में सब लोगों को सब चीजें खानी चाहिए और अगर खाना सीख लेंगे तो एकदम जो हमारा जीवन है वो आसान हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि खाने में ना करना मुझे तो पसंद है। मुझे भी पसंद है ना। खैर आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सजनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा और आपके हाथ का खाना कभी जरूर खाऊंगा। प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। थैंक यू। थैंक यू।
लौकी खीर के लिए 500 ग्राम ग्रेट की हुई लौकी, आधा चम्मच तेल, एक चौथाई छोटा चम्मच इलायची पाउडर, एक लीटर स्किम्ड मिल्क, 12 छोटे चम्मच शुगर सब्स्टिट्यूट और एक छोटा चम्मच केवड़ा जल। इसे पकाने के लिए एक पैन या कढ़ाई में तेल लेकर इसमें ग्रेट की हुई लौकी को कुछ देर तक भूनें। इसमें इलायची पाउडर और स्किम्ड मिल्क डालकर इसे अच्छी तरह से पका लें। जब लौकी पक जाए तब इसमें शुगर सब्स्टिट्यूट डालकर इसमें केवड़ा जल डालें और अच्छी तरह से मिलाएं और इसे गर्म या ठंडा सर्व करें। बारी है एक और मीठी चीज की, और ये ऐसी मीठी चीज है जो ट्रेडिशनली काफी बनती है, होली पे बनती है, दिवाली पे बनती है, गणपति पे बनती है, लेकिन इसका रूप बदल देंगे हम। चलिए बनाते हैं हम एक करंजी। इसे बनाने के लिए इसकी जो बाहर की कवरिंग है वो शुरुआत करते हैं हम मैदे से, जिस तरह से समोसा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसमें नमक वगैरह नहीं डालेंगे। तो ये मैदा और इसमें डालें घी, घी तेल या मक्खन, ये मिक्स कर दिया इसमें, और इसको आप गूंद लें पानी या दूध के साथ। पर ध्यान रखें अगर पानी या दूध डाल रहे हैं तो ठंडा डालें, एकदम चिल्ड, और उसके बाद इसका मीडियम डो आपने गूंद लेना है। जैसे ये मेरे पास है, ये देखिए, और इसके बाद इसे बेलेंगे हम, पर पहले जरा सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि जब इसको इस तरह से इसके पेड़े बनाते हैं तो फिर जरा समय लगता है, इसको रेस्ट देना पड़ता है। चलिए जब तक इसको रेस्ट मिलता है इसकी फिलिंग, इसका जो अंदर हिस्सा जाना है स्टफिंग, वो तैयार कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए तेल, तो इसकी स्टफिंग के लिए हमें चाहिए खोया, और खोए के साथ साथ इसमें आप ले लें पिसी हुई चीनी, ये इसके अंदर, और नट्स, वॉलनट्स बड़े अच्छे लगते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए इसमें सिर्फ वॉलनट्स और काजू डाल दो, और फिर कोको पाउडर। जी हाँ, ये जो स्टफिंग है ये हम बनाएंगे चॉकलेट वाली, ये कोको पाउडर डाला इसमें और इसकी स्टफिंग तैयार। अच्छा, ये स्टफिंग काफी ड्राई है तो इसमें थोड़ी क्रीम डालते हैं, और ये हो गई इसकी स्टफिंग तैयार। वैसे ये जो स्टफिंग है ये बन सकती है चॉकलेट बर्फी से भी। इसे रख देते हैं फ्रिज के अंदर, और अब इसे हम बेल लेते हैं इसी तरह से, ये भी दबाया, और ये अब इसका मिक्सचर बस किनारे में पानी लगाना है, ये स्टफिंग बीच में, ये रख दी, ये स्टफिंग हो गई, फोल्ड किया, दबाया और इसे सील कर दिया। ये देखिए, पिज्जा कटर से इसे इस तरह से काट भी सकते हैं, जैसे आप चाहें तो इसे शेप दे सकते हैं एकदम, ये इस तरह से, ये देखिए, ये एकदम सिंपल समोसे के लिए बड़ा सिंपल। इसमें भी पानी लगाया और इसको रख दिया इस तरह से, और ये जो है फिलिंग इसके अंदर, ये फोल्ड किया पीछे से और ये प्रेस कर दिया। इसके बाद इसे आप करीब 15 से 20 मिनट तक फ्रिज के अंदर रखें ताकि ये थोड़े कड़क हो जाए, और फिर इसे हम फ्राई करेंगे गर्मा गर्म तेल या घी के अंदर। ये गर्म है या नहीं जरा देख लेते हैं, फ्रिज में से निकाले हैं तो इसलिए ये तेल का टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो ये इसके अंदर, और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन सुनहरे रंग के ना हो जाएं। तो लीजिए, ये तैयार हुए हमारी करंजी, एकदम चॉकलेट वाली, और उसके साथ में समोसे फ्री। वैसे खाने के साथ में बहुत सारी चीज़ें फ्री मिली जाती हैं, इनाम का इनाम चूरण फ्री, भाई
बिरयानी के साथ में सालन फ्री या फिर रोटी फ्री पहले मिला करती थी ढाबे पे, अब सिर्फ चटनी प्याज वगैरह मिलता है, पापड़ भी चार्ज होने लग गया है। खैर ये नोट करें आप, रेसिपी एकदम फ्री। चॉकलेट एंड नट करंजी के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 3 बड़े चम्मच घी, तलने के लिए तेल, स्टफिंग के लिए 3/4 कप खोया, 1/2 कप फिसी हुई चीनी, 1/4 कप अखरोट कटे हुए, 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर और 1/4 कप फ्रेश क्रीम। इसे बनाने के लिए मैदे में घी, थोड़ा ठंडा पानी या ठंडा दूध डालकर इसका सख्ताता गूंद। स्टफिंग के लिए मावा, पिसी हुई चीनी, अखरोट, बादाम, कोको पाउडर और क्रीम डालकर मिलाएं और इसे रेफ्रिजरेटर में करीब 10-15 मिनट तक रखें। अब इस तैयार मैदे की गोलियां बनाकर इसे बेलें, किनारे पर पानी लगाकर बीच में तैयार स्टफिंग को रखें और इसे मोड़कर बंद कर दें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करके इसमें तैयार करंजी को मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें और फिर किसी किचन टॉवल पर निकालकर ठंडा करें और सर्व करें।